तो बेटा आज हम पढ़ेंगे कि हम एस्टर कंपाउंड से उनका जल अपघटन कराते हुए एल्कोहलों का निर्माण कैसे करेंगे। एल्कोहलों के निर्माण की दो विधियां और शेष रह जाते हैं, जिनमें से एक एस्टर से और दूसरा प्राथमिक एमिनो के द्वारा एल्कोहल को बनाया जाए। तो इन दोनों विधियों को आज के वीडियो पर पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं कि एस्टर से के जल अपघटन से हम कैसे एल्कोहलों का निर्माण कर सकते हैं। तो बेटा बड़ा आसान सा है, मैं सबसे पहले प्रोसीजर का कुछ भाग लिख के दिखा देता हूं कि हमारे पास सबसे पहले एक एस्टर ले लेना है। एस्टर का फॉर्मूला होता है आर सी डबल ओ आर डैश। अब आर सी डबल ओ आर डैश का मतलब, आर का मतलब है कोई एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप मैंने पहले भी बताया था, एल्किल ग्रुप कैसे फॉर्मुलेट होता है। कार्बन अगर एक रखा है तो हाइड्रोजन दुगने से एक ज्यादा रहता है। कार्बन अगर दो रख दिया, हाइड्रोजन दुगने से एक ज्यादा करेंगे तो पांच आ जाएगा, तो C2H5 बन जाएगा। इस प्रकार से R और R डैश दोनों एल्किल ग्रुप हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एल्किल ग्रुप आपस में सेम भी हो सकते हैं और ये दोनों एल्किल ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। और जब इस कंपाउंड का हम जल अपघटन कराते हैं तो बेटा जल अपघटन कराते हैं क्षार के साथ। अब क्षार में से क्या है, मैं दो क्षार ले सकता हूं, या तो मेरे पास NaOH हो या मेरे पास KOH हो। मैं दोनों क्षार को, अगर मुझे NaOH से जल अपघटन कराना होगा तो मैं NaOH का जलीय विलयन लूंगा, क्योंकि NaOH KOH दोनों आयनिक यौगिक हैं और सॉलिड स्टेट पे पाए जाते हैं। तो जरूरी यह रहता है कि अगर मैं क्षार अपघटन कराना चाहता हूं, क्षार द्वारा जल अपघटन कराना चाहता हूं, मैं NaOH को जल में घोल लूं और फिर मैं उसको एस्टर पे डालूं। अगर मैं KOH द्वारा जल अपघटन कराना चाहता हूं तो मैं KOH को जल में घोल लूं और फिर इसके बाद मैं उसे एस्टर पे डाल के जल अपघटन कराऊं। और ऐसी सिचुएशन पे जब बेटा हम जल अपघटन कराते हैं तो कंपाउंड हमारा दो भागों में ब्रेक होता है। कंपाउंड कौन कौन से भागों में ब्रेक होता है, सबसे पहले भाग अगर मैं चेक करूं तो बेटा जो हमारा आर सी डबल ओ वाला पार्ट है, जो आर सी डबल ओ है वाला पार्ट है, ये निगेटिवली चार्ज पार्ट होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। और जो बेटा आर डैश वाला पार्ट होता है ये रखता है पॉजिटिव चार्ज। कोई भी कंपाउंड पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की अमाउंट से बनता है। कब, जितना पॉजिटिव चार्ज हो उस कंपाउंड पे उतना ही निगेटिव चार्ज हो। तो आर सी डबल ओ वाला पार्ट निगेटिव चार्ज रखता है और आर डैश वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज रखता है। अब आप क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन कराओगे तो क्षार के विषय में सभी लगभग जानते हैं कि मेटल पर पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल पर निगेटिव आयन, के पर पॉजिटिव आयन, हाइड्रोक्सिल पर निगेटिव आयन। ध्यान रखने वाली बात है, मैंने दो क्षारों को लिखा है, रिएक्शन में आप एक ही क्षार यूज करोगे। और इस प्रकार से अगर कंपाउंड बनाओगे तो कंपाउंड बनकर तैयार होगा आर सी डबल ओ, निगेटिव चार्ज रखता है क्योंकि या तो एन ए से कनेक्ट होगा या तो के से कनेक्ट होगा। तो मैं लिखूंगा एन ए और, या फिर एन ए की जगह पर क्या आ जाएगा, के, पहली चीज। दूसरा आर डैश पर पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज ओ एच से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा आर ओ एच। बेटा ये आर ओ एच जो है ये हमारा एल्कोहल है। तो इस प्रकार से हम एक एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपके लिए एक लाइन लिखी। और हाँ, ऐसा लिख सकते हैं कि इसे थोड़ा सा गर्म भी किया गया। अब मैं कुछ रिएक्शंस पर चलूंगा जिससे हम एस्टर की सहायता से एल्कोहल को बनाएंगे। जैसे मेरे पास सबसे पहला एस्टर आता है तो मैं पहले एस्टर को अगर चेक करता हूं तो मेरे पास है एच सी डबल ओ सी एस थ्री। एच सी डबल ओ सी एस थ्री को कहते हैं मेथिल, और क्योंकि ये वाला एच सी डबल ओ ये फॉर्मिक अम्ल से लिया गया पार्ट है, इसलिए इसका नाम है मेथिल। फॉर्मिक अम्ल से लिए गए पार्ट के कारण फॉर्मेट, दिस इज मेथिल फॉर्मेट, और मेथिल फॉर्मेट तो मेरा एस्टर हो गया। अब मैं इसका किसी क्षार के साथ जल अपघटन कराऊंगा, तो मेरे पास दो क्षार हैं, आप यूज एक ही क्षार कर सकते हो। मैं टेम्परेचर देने वाला हूं, आप KOH को यूज कर सकते हो या NaOH को यूज कर सकते हो, मैं NaOH को यूज कर रखा है। बेटा अगर आप चेक करोगे इसमें से केमिकल फॉर्मूले को, तो जो HCOO वाला पार्ट है ये निगेटिवली चार्ज है, और जो R डैश वाला पार्ट है था CH3, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब मैं अगर दोनों को मैं चेक करूं इस जगह पर,
तो मैं थोड़ा सा ध्यान देने वाला हूं कि Na पर पॉजिटिव चार्ज, OH पर निगेटिव चार्ज। आप आसानी से समझ सकते हो एच सी डबल ओ निगेटिव चार्ज रखता है, Na से कनेक्ट होगा, तो पहला केमिकल बनेगा एच सी डबल ओ Na। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, तो CH3 पॉजिटिव चार्ज है, OH निगेटिव चार्ज से कनेक्ट होगा CH3OH, दिस इज मेथिल एल्कोहल। तो बेटा ये मेथिल एल्कोहल हो गया, और इसका नाम क्या है? बेटा मैंने अभी बताया था कि एच सी डबल ओ फॉर्मिक अम्ल से लिया गया पार्ट है, इसलिए हम इसको फॉर्मेट बोलते हैं। किसी भी एसिड से जब H को हटा दिया जाता है, हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, जैसे मेरे पास एक एसिड था सल्फ्यूरिक एसिड, अगर मैं यहां से H को हटाकर कोई दूसरा एलिमेंट लिख देता हूं, मैं सल्फ्यूरिक एसिड से बचे हुए पार्ट को सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बल्कि सल्फेट पढ़ता हूं। जब भी कभी किसी एसिड से H हट जाए, उस एसिड के नाम के लास्ट में एट का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर्मिक अम्ल से H हट जाए फॉर्मेट, सल्फ्यूरिक अम्ल से H हट जाए सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल से H हट जाए नाइट्रेट, कार्बोनिक अम्ल से H हट जाए कार्बोनेट। तो क्योंकि इस बार फॉर्मिक अम्ल का पार्ट है फॉर्मेट, ये फॉर्मेट किसका है? सोडियम का। तो पूरा नाम हो गया सोडियम फॉर्मेट प्लस मेथिल एल्कोहल। मुझे मेन रूप से मेथिल एल्कोहल बनाना था, इसलिए मैं उसको चेक करूंगा, मेथिल एल्कोहल बन गया। अब मैं बेटा चेंज करूंगा, मेरे पास कोई दूसरा मैं एस्टर लूंगा, मेरे पास सेकेंड एस्टर है सी एस थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव। अब ये एसिटिक अम्ल से लिया गया पार्ट है, इसको एसीटेट पढ़ेंगे, एथिल एसीटेट। अब एथिल एसीटेट का क्षार के द्वारा जल अपघटन जैसे ही मैं कराऊंगा, टेम्परेचर दे देते हैं Na पर पॉजिटिव, OH पे निगेटिव चार्ज। अब आप बेटा इसको समझ गए होंगे कि ये जो CH3COO वाला पार्ट है ये निगेटिव चार्ज है, और जो C2H5 वाला पार्ट है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है। रिएक्शन कराएंगे, निगेटिव को पॉजिटिव आयन से जोड़ेंगे और पॉजिटिव को निगेटिव आयन से। CH3COO निगेटिव आयन है, दिस इज CH3COO, क्योंकि निगेटिव आयन है, ये जुड़ेगा पॉजिटिव आयन Na से, और बेटा जो C2H5 पॉजिटिव आयन है ये जुड़ेगा OH निगेटिव आयन से। तो दिस इज C2H5OH। तो बेटा दो कंपोनेंट बने इसमें से, पहला एथेनॉल जिसे एथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं, और बेटा दूसरा पार्ट मेरा जो बनकर तैयार होता है, क्योंकि एसिटिक अम्ल से लिया गया पार्ट है, इसको हम एसीटेट कहेंगे। मैंने पहले ही बताया था फॉर्मिक अम्ल को फॉर्मेट बोलेंगे, तो एसिटिक अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देने पर एसीटेट बोलेंगे, और ये एसीटेट सोडियम के साथ लगा है सोडियम एसीटेट, अगर पोटेशियम के साथ लगा होता पोटेशियम एसीटेट होता। अभी आगे और चलते हैं, क्या नेक्स्ट टाइप का भी कोई इथर ऐसा रहेगा जो हमारा इस टाइप का एस्टर रहेगा जो इस टाइप की रिएक्शन को शो करेगा? तो मेरे पास बेटा एक और है सी एस थ्री सी डबल ओ सॉरी सी एस थ्री, इसको कहते हैं मेथिल, और क्योंकि ये एसिटिक अम्ल के द्वारा लिया गया पार्ट है मेथिल एसीटेट, और मेथिल एसीटेट के साथ अब मैं क्षार को चेंज करने वाला हूं के ओ एच। बेटा मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कंप्लीट कर रहा हूं? क्योंकि इसे आप कंप्लीट करोगे। आपने रिएक्शन देखी, उसका मेन मेथड देखा, अगर आपको रिएक्शन का मेन मेथड आता है, ये जो यहां लाइन पे लिखा गया मेथड है, ये सारी की सारी रिएक्शन इसी से बनी है। जब भी कभी देखो इस टाइप का अभिक्रियाएं कैसे पार्ट ले लेती हैं, हमारे यहां बोर्ड एग्जाम में इस टाइप की रिएक्शनों को कैसे कैसे पूछा जा सकता है? कहता है, मैं पहले नंबर बताता हूं, पहले ऐसे भी पूछ सकता है, कहता है ईस्टर का जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है, क्या होता है जब ईस्टर का जल अपघटन कराया जाता है। दूसरा कहता है एस्टर से एल्कोहल प्राप्त करने की विधि लिखिए। तीसरा बोल देता है ऐसा सा कह देगा कि एल्कोहल को बनाने की किसी विधि का वर्णन करिए, तो भी आप इसी को लिख सकते हो। और कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन भी आती है जब हमको एस्टर और एल्कोहल के विषय में कुछ विशेष रीडिंग्स देता है, कुछ विशेष पहचान देता है, और पहचान देने के बाद आपसे पूछता है कि बताओ कौन से ईस्टर से कौन सा एल्कोहल बनाया गया है। आपको गंध दे सकता है, मॉलिक्यूलर वेट दे सकता है, और उस गंध मॉलिक्यूलर वेट से आपको ईस्टर से एल्कोहल की पहचान करनी होती है। तो कई प्रकार से बेटा ईस्टर और एल्कोहल के बीच में होने वाली रिएक्शन को पूछा जाता है। अब हम ईस्टर से एल्कोहल बनाने के प्रोसेस को पढ़ चुके,
मेरे पास लास्ट एक और प्रोसेस बचता है जिसमें मैं किसी प्राइमरी एमीन से, प्राथमिक एमीन से मैं अल्कोहल का निर्माण करूंगा। तो बेटा आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं उस लास्ट विधि को, उस अंतिम विधि को जिससे हम प्राथमिक एमीन से अल्कोहल को बना सकते हैं उसको पढ़ते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर पढ़ते हैं प्राथमिक एमीन से अल्कोहल कैसे बनाया जाएगा। बेटा नेक्स्ट नंबर पे मैं क्या करूंगा कि प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया द्वारा मैं अल्कोहल बनाऊंगा। तो बेटा अगर मैं सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म लिख दूं कि ये जनरल रूप में रिएक्शन होगी कैसे, एक प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला होता है बेटा RNH2। R का मतलब एल्किल ग्रुप और एल्किल ग्रुप NH2 के साथ जुड़ा रहता है। अगर एल्किल ग्रुप NH2 के साथ जुड़ा है प्राथमिक एमीन, अगर दो एल्किल ग्रुप हैं और वो दो एल्किल ग्रुप NH के साथ जुड़े हैं द्वितीयक एमीन, अगर एक नाइट्रोजन परमाणु के साथ तीन एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसको कहते हैं तृतीयक एमीन। लेकिन हमें कौन से एमीन से बनानी है, प्राथमिक एमीन से, इसलिए मैंने प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला लिखा और प्राथमिक एमीन के फॉर्मूले के साथ मैं नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन करवाऊंगा। बेटा नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2। अब बात आती है नाइट्रस अम्ल कहां मिलेगा हमें। तो बेटा आप जब अपनी कॉलेज की प्रयोगशाला में जाओगे, लैब में जाओगे, आप इस बात को देखोगे वहां सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है, नाइट्रिक एसिड रखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक भी एसिड रखा हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे तो वहां किसी भी बोतल में या किसी भी डिब्बे पर आपको नाइट्रस एसिड मिलने वाला नहीं है। अब नाइट्रस एसिड मिलने वाला नहीं तो हम नाइट्रस एसिड को बनाए कैसे, यूज कैसे करें, क्योंकि बेटा नाइट्रस एसिड इसलिए भी नहीं रखा रहता क्योंकि नाइट्रस एसिड अस्थाई यौगिक है, यह टिकाऊ नहीं है। अगर आप नाइट्रस एसिड को एक बोतल में बंद करके रख भी लेते हो जल्दी से ही डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाएगा। तो अगर मैं नाइट्रस एसिड को रख भी लेता हूं वो टिकाऊ नहीं रहने वाला है, वो जल्द ही डिकम्पोज होकर समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब भी रिएक्शन में नाइट्रस एसिड की जरूरत पड़ती है हम कुछ केमिकल्स होते हैं उन केमिकल्स के थ्रू मैं नाइट्रस एसिड को बनाता हूं और जैसे ही नाइट्रस एसिड बन जाता है उस नाइट्रस एसिड की रिएक्शन हम तुरंत करवा लेते हैं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर तक नाइट्रस एसिड को रखूंगा तो यह डिकम्पोज हो जाएगा। तो रिएक्शन के लिए जब भी मुझे नाइट्रस एसिड चाहिए मैंने तुरंत नाइट्रस एसिड को बनाया और यूज किया और जितना नाइट्रस एसिड बच गया मैंने उसको फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वो वैसे भी डिकम्पोज होने वाला है। तो नाइट्रस एसिड बनेगा कैसे? नाइट्रस एसिड आसान है बनाना, अगर आप सोडियम नाइट्राइट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिला दें या सोडियम नाइट्राइट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिला दें। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर NaNO2 को सोडियम नाइट्राइट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिला दोगे नाइट्रस एसिड बनेगा। कैसे बनेगा? NO2 जुड़ जाएगा H के साथ, जैसे NO2 H के साथ जुड़ेगा HNO2 बनकर तैयार हो जाएगा, नाइट्रस एसिड बन गया। अगर मैं इस पे देखता हूं कि इस पे से क्या होगा तो बिल्कुल बेटा आसान है, सल्फ्यूरिक एसिड का H इस NO2 के साथ कनेक्ट होगा HNO2 बना लेगा। तो नाइट्रस एसिड दो विधियों द्वारा बनाया जाएगा, या तो आप NaNO2 को HCl में जोड़ दोगे और या NaNO2 को H2SO4 के साथ ऐड कर दोगे, और इन दोनों विधियों द्वारा नाइट्रस एसिड बनेगा जो प्राथमिक एमीन से रिएक्शन करेगा। और प्राथमिक एमीन से रिएक्शन भी देखो कैसे करेगा, बड़ा आसान सा रिएक्शन का टाइप है, हम उस चीज को पढ़ेंगे कि कैसे रिएक्शन करेगा। तो बेटा सबसे पहली बात क्या करेगा कि जो हमारा N है वो N के साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा N2 नाइट्रोजन गैस, और क्योंकि हम एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं हम लिखेंगे ROH प्लस। अब मैं सोचता हूं कि मेरे रिएक्शन में कौन कौन सा कंपोनेंट बचा, तो देखो R भी निकल गया, O और H का मतलब एक O और एक H चला गया, और N2 का मतलब दोनों नाइट्रोजन चले गए। मैं चेक करता हूं बचता क्या है, तो बेटा H मेरे पास थे दो और एक तीन, तीन में से केवल एक H लिखा गया, इसका मतलब अभी भी मेरे पास दो H बाकी रह गए, और O को मैं चेक करूंगा तो O दो है जिनमें से एक मैंने लिख रखा है और एक मैं O के H के साथ लगा दूंगा। तो बड़ा आसान सा रहा है ये, तो एमीन नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करते हुए नाइट्रोजन गैस एल्कोहल और बेटा इसके बाद वाटर को बनाता है। बेटा अगर मैं एक बात और कंपेयर करूं तो बेटा
एमीन की प्रकृति क्षारीय होती है, और एमीन की प्रकृति क्षारीय जबकि नाइट्रस अम्ल प्रकृति में अम्लीय है। ये रिएक्शन है क्षार और अम्ल के बीच में, और जब क्षार अम्ल के बीच में रिएक्शन होती है तो बेटा हमारे पास बनता है जल और हमारे पास बनता है साल्ट। तो लगभग ये उस टाइप की रिएक्शन है कि वाटर और साल्ट का निर्माण हुआ। अब हम देखेंगे इसी रिएक्शन को जो हमने जनरल फॉर्म में लिखी है, हम इसी रिएक्शन पर कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल चेक करेंगे कि अगर मुझे केमिकल मिल जाए मैं कैसे बिहेवियर दिखाऊंगा। तो बेटा अभी मैं रिएक्शन लिखूंगा, फर्स्ट सबसे पहले R की जगह पर मैं लिखे देता हूं C2H5 NH2। C2H5 NH2 को मैं अगर चेक करता हूं तो मैं इसके साथ HNO2 लगाऊंगा नाइट्रस एसिड, और वो नाइट्रस एसिड इनमें से किसी एक विधि के द्वारा बनाई जा सकती है, क्योंकि किसी एक विधि के द्वारा बनाई जा सकती है। या तो मैं ऊपर लिखे केमिकल्स को लिखूंगा या तो मैं नीचे लिखे केमिकल्स को लिखूंगा, आप किसी को लिख सकते हैं। मैंने अभी ऊपर वाले केमिकल्स को लिख दिया है, सोडियम नाइट्राइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इनको मिलाने से बना नाइट्रस अम्ल। और जैसे नाइट्रस अम्ल ने रिएक्शन की, रिएक्शन का तरीका बिल्कुल आसान है, N2 बनकर तैयार हुआ, R OH के साथ कनेक्ट होता था, आप चेक करो R की वैल्यू C2H5 है, ये OH के साथ कनेक्ट होगा तो बना डालेगा C2H5OH और प्लस वाटर मॉलिक्यूल तो फिक्स है। तो इस प्रकार से आप C2H5NH2 को दिखा सकते हो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें से और है, बाकी जितने प्राथमिक एमीन होंगे इस टाइप की रिएक्शन को शो करेंगे, लेकिन अगर मेथिल नाइट एमीन आ जाता है तो बेटा मेथिल एमीन इस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाता है। अब जब पूछता है मेथिल एमीन इस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करता है, इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं दिखाता है, मैं लिख ही देता हूं मेथिलेमीन इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं देता है। अब बात आते हैं कि सर मेथिलेमीन इस प्रकार की रिएक्शन क्यों नहीं देता है। मेथिलेमीन के फॉर्मूले को थोड़ा सा सही करते हैं, NH2 मेथिलेमीन आखिर इस प्रकार की रिएक्शन क्यों नहीं दे पाता है। तो बेटा उसमें से बात होती है, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख के लिखा, नहीं नीचे लिखे देते हैं। अगर मैं मेथिल एमीन को चेक करता हूं और साथ में किसी भी दूसरे एमीन को चेक करता हूं तो मैं दो तीन एमीन लिखे लेता हूं, जैसे एथिल एमीन, मैं एक और एमीन लिखे लेता हूं प्रोपिल एमीन, बेटा एमिनो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है, इस कार्बन इसको देखें अगर हम, तो इस कार्बन के या इससे चेक करते हैं, मेथिल एमीन इस कार्बन जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साइड वाले कार्बन को अगर चेक किया जाए, इसको अल्फा कार्बन, इसको कौन सा कार्बन कहते हैं बीटा कार्बन, इसको चेक करें, ये इस कार्बन जुड़ा है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, इस एमीन को चेक करते हैं इसमें अल्फा हो गया लेकिन बीटा कार्बन नहीं है, क्योंकि मैं बाकी जितने भी एमीन मिलते हैं मैं चेक करता हूं कि उनमें बीटा कार्बन अवेलेबल है, और क्योंकि बीटा कार्बन अवेलेबल है बीटा कार्बन जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम को बीटा हाइड्रोजन भी कहते हैं, क्योंकि अन्य सभी पर अगर मैं चेक करता हूं एमीन्स पर तो मुझे बीटा हाइड्रोजन एटम अवेलेबल मिलते हैं, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल मिलते हैं हम एमीनों की रिएक्शन इस प्रकार से शो कर सकते हैं, लेकिन मेथिल एमीन पर मुझे वो बीटा हाइड्रोजन नहीं मिलता है, इसलिए मेथिल एमीन इस प्रकार की रिएक्शन को कर पाने में सक्षम नहीं है। तो बेटा एल्कोहलों को बनाने की जितनी विधियां थी हमने सारी विधियों को पढ़ रखा है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे कि एल्कोहलों के भौतिक गुण क्या होते हैं और उन भौतिक गुणों में किस प्रकार से चेंज आता है। तो वो भौतिक गुणों को पढ़ने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।